हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो लेक्चर ऑफ डिजिटल सिस्टम डिजाइन और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आई एम गोइंग टू डिजाइन बीसीडी टू डेसिमल डिकोडर और वी कैन से बीसीडी टू डेसिमल कोड कन्वर्टर। ठीक है, बीसीडी टू डेसिमल मींस कि इनपुट पर हमारे बीसीडी नंबर्स होंगे और आउटपुट पर हमें डेसिमल नंबर्स मिलेंगे। ठीक है, बीसीडी मींस बाइनरी कोडेड डेसिमल एंड डेसिमल नंबर्स जो हमारे 0 to 9 होते हैं। ठीक है, और बीसीडी से हम सिर्फ और सिर्फ 0 to 9 को ही रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, तो अगर हम इसके सिंबल की बात करें तो एज नेम सजेस्ट इनपुट्स के साइड पे हमें क्या मिलेंगे, बीसीडी नंबर्स मींस 4 bits। लेट दिस आर ए बी सी डी, ये हमारा क्या हो गया बी सी डी इनपुट। ठीक है, आउटपुट पर हमें डेसिमल मिलेंगे मींस डी नॉट डी वन डी टू डी थ्री डी फोर डी फाइव डी सिक्स डी सेवन डी एट एंड डी नाइन। अगर सिंबल की बात करें या ब्लॉक डायग्राम की ब्लॉक की तो दैट्स इट, बट हम इसका बेसिक सर्किट भी देखेंगे इंटरनल बी सी डी टू डेसिमल डिकोडर। ठीक है, यहाँ पे जो हमें आउटपुट्स मिलेंगे ये हमारे क्या हैं, डेसिमल आउटपुट्स। नाउ अब हमें इसकी चाहिए होगी ट्रुथ टेबल, तो ट्रुथ टेबल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इनपुट्स कितने हैं 4 और आउटपुट्स कितने हैं 10। करेंगे इनपुट्स, इनपुट्स क्या हैं ए बी सी डी। ठीक है, यहाँ हमारे होंगे आउटपुट्स, आउटपुट्स हमारे कितने हैं डी नॉट डी वन डी टू डी थ्री डी फोर डी फाइव डी सिक्स डी सेवन डी एट डी नाइन, ये हो गए 10 आउटपुट्स। वी ऑल नो कि इन केस ऑफ डिकोडर इनपुट का जो कॉम्बिनेशन है उसके करस्पॉन्डिंग जो डेसिमल वैल्यू होगी उस पर हाई मिलेगा, मींस एट अ टाइम एक ही आउटपुट हाई होगा, रिमेनिंग ऑल क्या होंगे 0। ठीक है, तो जब हमारे बीसीडी इनपुट्स हैं ये हमारे क्या है बेसिकली बीसीडी। ठीक है, तो फर्स्ट कॉम्बिनेशन ऑल 0, इन दिस केस दिस इज डेसिमल इक्विवेलेंट 0 मींस ये 1 होगा, रिमेनिंग ऑल क्या होंगे 0। ठीक है, नाउ नेक्स्ट कॉम्बिनेशन 001, दिस इज डेसिमल इक्विवेलेंट, इसका क्या होगा 1, मींस d1 हाई होगा, रिमेनिंग ऑल क्या होंगे 0। मैं लाइन खींच देती हूं सो दैट कि मिक्स ना हो। नेक्स्ट 0010, इसका डेसिमल इक्विवेलेंट 2, मींस d2 विल बी हाई, रिमेनिंग ऑल विल बी 0। ठीक है, नेक्स्ट 0011, डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ दिस इज 3, मींस d3 विल बी हाई, रिमेनिंग ऑल विल बी 0। ठीक है, अगेन लाइन ड्रॉ कर देती हूँ, ऐसा जरूरी नहीं है मेरी मिक्स हो सकते हैं इसलिए। नाउ नेक्स्ट कॉम्बिनेशन इज 0100, दिस इज 4, तो यहाँ d4 हाई होगा, रिमेनिंग ऑल विल बी 0। देन नाउ नेक्स्ट 0101 मींस 5, तो क्या हाई होगा, d5 की वैल्यू 1, रिमेनिंग ऑल की 0। नाउ नेक्स्ट कॉम्बिनेशन 0110, ये डेसिमल क्या है 6 का, तो यहाँ 1 d6 1, रिमेनिंग ऑल 0। ठीक है, नेक्स्ट कॉम्बिनेशन इसका डेसिमल इक्विवेलेंट 7, मींस d7 विल बी हाई, रिमेनिंग ऑल 0। ठीक है, नेक्स्ट कॉम्बिनेशन इज 1008, मींस दिस विल बी 1, रिमेनिंग ऑल 0। नेक्स्ट एंड लास्ट, क्योंकि हमारे बीसीडी नंबर 0 to 9 तक ही होते हैं, तो दिस इज 9। ठीक है, नाउ अब बीसीडी नंबर्स हमारे 0 to 9 होते हैं, तो 10 to 15 जो यूज नहीं हो रहे हैं दैट आर कंसीडर एज डोंट केयर, तो हमने यहां पुट कर दिया डोंट केयर, डन। नाउ अब अगर हम d0 की बात करें तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ एक कॉम्बिनेशन है 000, मींस ये कहां आएगा, यहां पर। ठीक है, नाउ ये किसी के साथ भी पेयर अप नहीं हो पाएगा, मींस हम इसको सिंगल ही लेंगे। अगर हम इसको सिंगल लेंगे तो ए बार बी बार सी बार, इक्वेशन फॉर डी नॉट इज इक्वल टू ए बार बी बार सी बार डी बार। ठीक है, नाउ अब हम d1 के लिए देखते हैं, d1 के केस में यहां पर 1 है, 0001 0001 मींस यहां पर आएगा, अगेन कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, सिंगल होगा, मींस व्हाट इज द इक्वेशन फॉर d1, ए बार बी बार सी बार डी, ए बार बी बार सी बार डी। नाउ फॉर d2 0010 है, मींस 2 यहां पर। नाउ इस केस में आप देखो ये बैक टू बैक कॉम्बिनेशन बन सकता है, ठीक है, बैक टू बैक पेयर बना, तो व्हाट इज कॉमन, d2 के लिए हम लिखेंगे d2 इज इक्वल टू फर्स्ट एंड लास्ट रो से b बार इज कॉमन, तो यहां से हमें मिलेगा b बार, कॉलम एक ही यूज हुआ है दिस वन, तो b बार c d बार। ठीक है, ये नाउ d3 के लिए देखते हैं, d3 जब 1 है तो 0011 मींस की 3 का कॉम्बिनेशन। नाउ अगेन ये बैक टू बैक बनेगा, जब ये बैक टू बैक बनेगा मींस ऐसे, ठीक है, तो इस केस में ये दोनों फर्स्ट एंड लास्ट रो मींस b बार इज कॉमन, तो d3 इज इक्वल टू बी बार, कॉलम कौन सा यूज हुआ, दिस वन, मींस सी डी, ये इक्वेशन हो गई। नाउ नाउ 4 के लिए हमारा 4 यहां होगा, मींस एक पॉसिबिलिटी पेयर की है दिस वन। ठीक है, ये दोनों रो यूज हुई, फ्रॉम दीज टू रो बी इज कॉमन,
तो डी फोर इज इक्वल टू बी, कॉलम ये यूज हुआ मीन्स सी बार डी बार। नाउ फॉर डी फाइव में वन कहाँ होगा, यहाँ पर, मीन्स नाउ पॉसिबिलिटी किसकी होगी, इसकी, ठीक है। तो इस केस में अगेन यही रो यूज हुई, मीन्स यहाँ से आएगा बी, कॉलम से आएगा सी बार डी, ठीक है, ये होगी। नाउ सिक्स के केस में, सिक्स के केस में हमारा वन कहाँ होगा, यहाँ पर, ठीक है, डी सिक्स। डी सिक्स के लिए जीरो वन वन जीरो सिक्स पर वन होगा, अगेन पेयर पॉसिबल है यहाँ पर, ठीक है। ये दोनों रो यूज हुई, मीन्स फ्रॉम दिस दीज टू रो बी कॉमन आया, कॉलम लास्ट वाली यूज हुई मीन्स सी डी बार, ठीक है। नाउ सेवन का देखते हैं, तो इसको हम सेवन के केस में यहाँ आएगा और ये पेयर फॉर्म होगा, ठीक है। सेम रो मीन्स फॉर डी सेवन इज इक्वल टू बी, कॉलम से क्या आएगा, सी डी, ठीक है। नाउ ये के लिए हमारा वन कहाँ होगा, यहाँ पर, और इस केस में हमारा बैक टू बैक क्वाड बनेगा। जब क्वाड बनेगा, ये रो यूज हुई, तो डी एट के लिए रो से क्या कॉमन हो गया, ए, ये दो कॉलम्स यूज हुए, देखो ये एंड ये, यहां से क्या कॉमन हो गया, डी बार, ठीक है। ये तो हो गया एट के लिए, सारे के मैप बनाने होंगे जितने मैंने दिखाए, ठीक है। के केस में यहां पर होगा हमारा वन, अगेन यहां पर हमारा क्वाड बनेगा दिस वन, ठीक है। रो यूज हुई, लास्ट के दो, यहां से कॉमन क्या आएगा, डी नाइन के लिए कॉमन वैल्यू इज ए, फ्रॉम दीज टू कॉलम व्हाट इज कॉमन, डी। तो दीज आर द इक्वेशन, यहां हमारे पास फोर वेरिएबल है, ए बी सी एंड डी, ठीक है। लाइन फॉर ए, लाइन फॉर बी, लाइन फॉर सी, लाइन फॉर डी, ठीक है। इनको हमने नॉट गेट के थ्रू दिया, तो हमें मिल गया ए बार। लाइन मेरी थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो रही है, आप स्केल से ड्रॉ करना, आपकी सीधी हो जाएगी। ये हो गई बी बार, ये हो गया सी बार, ये हो गया डी बार, ठीक है। चलो वन बाय वन ड्रॉ करते हैं, ये हो गया डी नॉट, ठीक है। इसके लिए क्या है, ए बार बी बार सी बार डी बार, मीन्स ए बार बी बार सी बार एंड डी बार, ठीक है। डी वन, ए बार बी बार सी बार डी, ए बार बी बार सी बार एंड डी, ठीक है। नाउ डी टू के केस में बी बार मीन्स बी बार, देन सी मीन्स सी, देन डी बार मीन्स डी बार, ठीक है। नाउ फॉर डी थ्री, बी बार मीन्स बी बार, देन सी, बी बार क्या क्या है, सी means B bar, then C, then D, ठीक है। Now D4, D4 के लिए क्या है, B means B, C bar, C bar, D bar, done। Now for D5, B means हमने लिया यहाँ से B, then क्या है, C bar, फिर क्या है D, तो D यहाँ से आएगा, done, ठीक है। Now next क्या है, D6, D6 की इक्वेशन क्या है, बी सी डी बार, तो B हमें यहाँ से मिलेगा, C हमें यहाँ से मिलेगा एंड D बार हमें यहाँ से मिलेगा, ठीक है। नाउ फॉर D7, बी सी डी, बी सी डी, ठीक है। नाउ फॉर D8, ए डी बार मीन्स A एंड D बार। नाउ फॉर D9, D9 ए डी, ए लिया यहां से एंड डी लिया यहां से, दिस इज द लॉजिक डायग्राम ऑफ बी सी डी टू डेसिमल डिकोडर। थैंक यू सो मच, स्टिल यू हैव एनी डाउट प्लीज राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन, थैंक यू।